गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो मैं निकलने वाला हूँ घर के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन आज का नज़ारा होने वाला है। आज का ब्लॉग कुछ बड़ा हो सकता है, तो आज के ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। फैमिली के साथ भी बनने वाला है ब्लॉग। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी सिंपल मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद थोड़ा सा साइड जाना है, साइड में काम बताना है कि मतलब क्या क्या काम चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, ये देखना है। उसके बाद साइड से आने के बाद लगभग 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास यहाँ से मैं निकलूँगा, जो कि यहाँ अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ से मेरा घर जो है 250 किलोमीटर है। तो मैं बाइक से जाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखने वाला है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं तो अभी नहा लेता हूँ, नहाने के पहले यहाँ पे नींबू लगा लिया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था बाल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा ये दाढ़ी जो है इसे शेविंग कर लेता हूँ, यानी थोड़ा थोड़ा इसे काट लेता हूँ। तो गाइस, मेरा ये दाढ़ी जो है इसे बना लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं नहा लेता हूँ, तो सिंपल नहाने के लिए यहाँ से साबुन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं साबुन ले लेता हूँ। साबुन, कोलगेट ब्रश, ये रहा साबुन कोलगेट ब्रश। अब यहाँ से टॉवेल ले लेता हूँ। गाइस, मैं नहा के आ लेता हूँ, नहाने के बाद आगे की ब्लॉग चालू करेंगे। यहाँ पे रिंग बना रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत अलाल आदमी है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं अपने रूम आ गया हूँ, अब यहाँ से मैं कपड़ा चेंज कर रहा हूँ, कपड़ा चेंज करके मैं निकलूँगा घर के लिए। गाइस, कपड़ा तो चेंज हो गया है, बाकी इधर मैं अपना शूज जो है चेंज कर लेता हूँ। पेट्रोल हम लोग का काम है, तो आगे टंकी पड़ेंगे वहाँ मैं पेट्रोल डलाने वाला हूँ। यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ मैं पेट्रोल डला लेता हूँ। गाइस, मैं पेट्रोल डलवा ली हूँ, पेट्रोल डलवा के निकल रहा हूँ, तो ब्लॉग पे बने रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग निकलते हैं घर की तरफ।
बेमेतरा पहुंच गए। बेमेतरा में यहाँ पे देख सकते हो हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है। बेमेतरा में बहुत ही बेहतरीन झंडा लगा हुआ है। तो अगर आप हिंदू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मुंगेली लगभग 7 से 8 किलोमीटर और बाकी है, इधर में हम लोग को जाना है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा चल चुकी है। 11:30 बजे से 2:30 बजे तक यानी 3-3.5 घंटा के आसपास चला है बाइक। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते उसके बाद फिर निकलते हैं। गाइस मैं अभी मुंगेली पहुँच गया हूँ। यहाँ पर देख सको मुंगेली का नज़ारा देख सको, बट ये थोड़ा सा रोड ख़राब है, कहीं कहीं पे ख़राब है। बाकी मुंगेली शहर जो है बहुत ही बेहतरीन है। और मुंगेली से जो बिलासपुर वाला रोड रहता है वह भी बहुत ही बेहतरीन स्नान रोड बन चुका है। तो यहाँ पे रेड बत्ती है। तो यहाँ पे जो मुंगेली से आगे यानी बिलासपुर वाला रोड में उसमें पहुँच गया हूँ। तो इसमें गाड़ी कुदा के देखता हूँ कि 100 पार होता है या फिर नहीं। क्या खा रही है? क्या खा रही है? क्या खा रही है? खा रही है? जोकर, जोकड़ी जोकड़ी ने। दोस्तों यहाँ पे करवा पूजा की तैयारी चल रही है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। तो आप लोग मना रहे हो या फिर नहीं मना रहे हो, कौन कौन उपास हो करवा तो बताना मुझे कमेंट करके। यहाँ पूजा प्रतिष्ठा कर लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी ये जो चांद निकलते हैं चांद का इंतजार कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ से आए उसका ब्लॉग है, कंटिन्यू ब्लॉग करते रहें। तो यह ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।